वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण लगने की घटना को खगोलीय घटनाओं में माना जाता है। जब भी सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण लगता है तो केवल यह वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को रात्रि 1:05 से लेकर 2:22 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई देशों में भी नजर आने वाला है। भारत में यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा, अतः भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा। दरअसल पृथ्वी सूर्य के जब चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इस दरमियान एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। एक सीध होने की वजह से पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है तथा चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती। इस घटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में भी देखा जा सकता है। वर्ष 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण आगामी 29 अक्टूबर शुभ दिन रविवार को रात्रि 1:05 से 2:22 तक रहेगा। भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में दिखाई देगा, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। दृश्यमान होने के कारण ही इसका सूतक भी मान्य है। सनातन बंधुओं, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है तो वहीं चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक मान्य है। हमें ग्रहण में तामसी प्रवृत्ति का त्याग करते हुए अपने इष्ट देवता के मूल मंत्रों का जप करना चाहिए और तमाम ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिससे इसकी अशुभता का प्रभाव हमारे जीवन पर न पड़े। तमाम संत महंत, ऋषि मुनि ग्रहण काल की शुभता के लिए ही अपने इष्ट देव का आवाहन करते हुए नाना प्रकार के मंत्रों की सिद्धि करते हैं। तो आइए इस चंद्र ग्रहण में हम सावधानी पूर्वक अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करते हुए इसकी अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ें।